Subject Science, Class 4th, Chapter 12, The Sun and Its Family. Part 1 में हमने मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में डिटेल में जान लिया है. नेक्स्ट हमने द प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में जान लिया है. 8 प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये 8 प्लैनेट्स के बारे में हमने डिटेल में आगे के पार्ट में जान लिया है. आज हम सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे. अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट. अ हेवनली बॉडी मीन्स जैसे कि मून की बात करें तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि वो अर्थ की चारों ओर क्या करता है, वो घूमता है. तो जो प्लैनेट के चारों ओर घूमता है उसको क्या कहा जाता है, उसकी सैटेलाइट कहा जाता है. मैनी प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स. मैनी प्लैनेट्स कई प्लैनेट्स के क्या है, सैटेलाइट्स है. जुपिटर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, मोर देन 60. जुपिटर के पास सैटेलाइट्स की संख्या 60 से भी अधिक है. द मून इज द अर्थ्स सैटेलाइट. मून जो है वो अर्थ की क्या है, सैटेलाइट है. क्योंकि मून अर्थ की चारों ओर क्या करता है, घूमता है, इसलिए अर्थ की सैटेलाइट क्या है, मून. द मून टेक्स अबाउट 28 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. मून को अर्थ के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 28 डेज लगते हैं. While revolving around the earth, it also rotates about its own axis. Moon, earth का चक्कर तो वो लगाता ही है, लेकिन वो अपनी axis, अपनी दूरी पर भी घूमता है. The moon completes a rotation in the same time it takes to revolve around the earth. मून एक चक्कर पूरा करता है उसी समय जब वह पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है, पृथ्वी का भी वो चक्कर लगाता है. दैट इज वाई वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून. यही कारण है कि हम मून का केवल एक ही हिस्सा देखते हैं. एक एक्टिविटी है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी है, वही एक्टिविटी हम अलग रीत से समझते हैं. डू वी ऑलवेज सी वन साइड ऑफ द मून. हम हमेशा मून की एक ही साइड को देख सकते हैं, ऐसा क्यों है? अगर मून विदाउट एनी रोटेशन, बिना किसी रोटेशन के मून, मीन्स मून जो है वो रोटेशन, अगर अपनी एक्सिस दूरी पर वो घूमेगा नहीं, तो वी सी ऑल साइड्स इन दिस केस. तो इस केस में हम मून की ऑल साइड्स, सभी साइड्स को देख पाते. आप लोग वीडियो में देखिए कि मून जो है वो रोटेट नहीं हो रहा है, वो रिवॉल्व हो रहा है, मींस वो अपनी खुद की एक्सिस दूरी पर नहीं घूम रहा है, वो जस्ट अर्थ की आजू बाजू चक्कर लगा रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, मून जो है वो रोटेट हो रहा है, मींस वो अपनी एक्सिस, अपनी दूरी पर क्या कर रहा है, घूम रहा है. मून यहाँ पे रोटेट भी हो रहा है एंड रिवॉल्व भी हो रहा है, मींस मून जो है वो अपनी एक्सिस, अपनी दूरी पर घूम रहा है एंड अर्थ पृथ्वी का वो चक्कर भी लगा रहा है. इसलिए हमें हमेशा मून की एक ही साइड दिखाई देती है. मून में रेड कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, मींस अर्थ से मून का एक ही हिस्सा दिखाई देता है. मून रोटेट एंड रिवॉल्व भी होता है. मून अपनी खुद की एक्सिस की आजू बाजू रोटेट कर रहा है और अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है, मींस मून जो है वो अपनी खुद की एक्सिस, अपनी दूरी पर भी वो रोटेट, मींस घूमता है एंड अर्थ के आजू बाजू वो रिवॉल्व, मींस वो उनके आजू बाजू वो चक्कर भी लगा रहा है. अब हम अर्थ से मून का सिर्फ एक ही हिस्सा
देख पाते हैं और दूसरा हिस्सा हम अर्थ से कभी भी नहीं देख पाते हैं। इसका कारण है मून का रोटेशन का टाइम और अर्थ के आजू बाजू रेवोल्यूशन का टाइम एक होता है। इसके कारण जब तक मून का एक हिस्सा अर्थ के सामने होता है और घूमने के कारण जैसे दूसरा हिस्सा सामने आ जाता है, मून एक नई पोजीशन पर आ जाता है, इसलिए मून का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फेजेस ऑफ द मून के बारे में जानेंगे।